वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल india.com। आज हम लोग देखेंगे आरपीएससी एएन का डिटेल सिलेबस होगा, जो कि आपके ऑप्शनल पेपर जो है उसके होंगे, यानी कि टेक्निकल के। और ये जो सिलेबस होगा केवल प्रीलिमिनरी एग्जाम जो होने वाले हैं, प्री एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए होगा। और इस ऑप्शनल पेपर में यानी कि टेक्निकल पेपर में आपके जो भी सिविल इंजीनियरिंग के हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं, या आप एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के हैं, उनके लिए ये सिलेबस है। और ये डिटेल सिलेबस में मैं लाया हूँ, जिससे आप देख सकते हैं कि काफ़ी डिटेल में मैं सिलेबस को इसमें मेंशन किया हूँ। तो आइए बिना लेट किए हुए आज देखते हैं आज का वीडियो। सब्सक्राइब करें india.com YouTube चैनल को और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करें और देखें हमारे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो बिल्कुल फ्री। आगे चलने से पहले जिन्होंने तो फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, ग्रुप को ज्वाइन कर लें, पेज को लाइक नहीं किया, पेज को लाइक कर लें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल प्लस पे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको सभी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो ऑप्शनल पेपर आपका है प्री एग्जाम का, वो हम देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग का। और मैं सिविल इंजीनियरिंग का इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का सबसे ज़्यादा वैकेंसी था फ्रेंड्स, आप देखे होंगे आरपीएससी में, तो सबसे पहले इसीलिए मैं सिविल इंजीनियरिंग का ही दिखा रहा हूँ। तो आपका जो ए है आपका, यानी कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का, इसमें क्या क्या है आपके, सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स, प्लानिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग्स, बॉन्ड्स इन मिशनरी, डैम प्रूफ्स, आप देखते होंगे आता होगा डैम प्रूफ, स्कैफोल्डिंग, अंडरपिनिंग एंड रैंकिंग। आप एक काम कर सकते हैं, मैं अगर ऐसे बताता जाऊँगा एक टॉपिक तो मेरे को टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करके जो भी आपको इसमें लिया हुआ है, मैं लिया हुआ हूँ, जैसे कि आपका हो गया स्टोन्स हो गया, ब्रिक्स हो गया, टिम्बर हो गया, लाइम हो गया, सीमेंट हो गया, मोर्टार हो गया, प्लेन हो गया, रेनफोर्समेंट सीमेंट, कंक्रीट, बिटुमिन, एस्फाल्ट, यानी कि काफ़ी बहुत ज़्यादा है सिलेबस इसके ऐप में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं अगर आपके पास सिलेबस नहीं है, और मैं नहीं होगा तो मैं आपको इसको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक जो मैं प्रोवाइड करता हूँ बहुत सारा, उसमें मैं आपके रिटर्न में वेबसाइट का अपना लिंक दे दूंगा, जिससे आप इसके सिलेबस को देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से भी देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, मैं कुछ आगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी बता सकता हूँ, इसलिए वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को ये दे दूँ। फिर आपका सर्वेइंग का, आपको पता है कि सर्वेइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके क्या होते हैं, जितने स्केल पर होते हैं, चेन होते हैं, कंपास सर्वेइंग हो गया, आपका लेवलिंग हो गया, परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेवल्स एंड थर्डोलाइट हो गया, यूज ऑफ थर्डोलाइट्स होता है इसका, टेकोमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड ट्रायंगुलेशन सर्वे होता है आपका, ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्स एडजस्टमेंट, कंटूर्स, कंटूरिंग, आपके सिंपल सर्कुलर कंपाउंड एंड ट्रांजिशन कर्व, सबमिट कर्व भी यहाँ पे नहीं है मेंशन, लेकिन वो भी पढ़ लेंगे थोड़ा, सेटिंग आउट है आपका, थ्योरी ऑफ एरर्स एंड सर्वे एडजस्टमेंट, कंप्यूटेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। तो ये आपके हो गए सर्वे से। फिर हम बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर का, देखिए इसमें स्टील स्ट्रक्चर है, बहुत सारे प्री एग्जाम में स्टील स्ट्रक्चर नहीं भी होते हैं, किसी किसी में होते भी हैं। तो आपका है इसमें डिजाइन ऑफ ऑर्डिनरी एंड प्लेट ग्रीडर बीम्स, ठीक है, रूफ ट्रसेस, वेल्डेड जॉइंट्स, एक्सियली एंड इसेंट्रिकली लोडेड वॉल्यूम्स, ग्रिलाज, गस्टेड एंड स्लैब्स, फाउंडेशन, प्रोविजन ऑफ IS 800 and 875, कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टील जो कोड होंगे आपके वो भी देख लेंगे, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट। इकोनॉमिक्स स्पेन ऑफ ब्रिज, ये भी आपके सिलेबस में है। फिर है आपका सॉइल और जियोथर्मल एनर्जी का, इसका सिलेबस जो है फ्रेंड सबसे ज़्यादा है आपका, समझ गए। तो आइए देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, सॉइल हो गया एज पर IS कोड, ठीक है, फील्ड आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट ऑफ सॉइल्स, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाट्स रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री सेचुरेशन, यूनिट वेट, डेंसिटी इंडेक्स एक्सेट्रा एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, इन सभी के क्या एक दूसरे से रिलेशनशिप है, उसके फॉर्मूले के भी आपको देखते हैं, जैसे वॉइड रेशियो में, पोरोसिटी में, वो तरह के आपको भी क्वेश्चन देखने हैं। डिटर्मिनेशन आपका बता दिया मैं, और वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल एज नोटेड अबव एज वेल एज ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन से भी क्वेश्चन पूछते हैं, कंसिस्टेंसी आपके हो गए, आपके कंसिस्टेंसी लिमिट हो गए उससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। फिर आपका हो गया सॉइल परमेबिलिटी एंड इट्स डिटर्मिनेशन इन द लेबोरेटरी एंड फील्ड, दार्सी लो आपको पता है, फ्लो नेट्स, इट्स कैरेक्टर्स एंड यूजेज। फिर से आते हैं हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल, कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन, सबसे पहले तो इसमें बीच में आपको डिफरेंस आना चाहिए आपको कि क्या होता है, कंपैक्शन मीन्स क्या होता है, कंसोलिडेशन क्या होता है। फिर आपका क्वालिटी कंट्रोल, सॉइल स्टेबलाइजेशन मेथड्स, फिर आपका बेसिक मेथड्स, न्यूमेरिक चार्ट एंड इट्स यूजेज, शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स एंड देयर डिटर्मिनेशन, बियरिंग कैपेसिटी, लोकल एंड जनरल शेयर फेलुअर,
आपको पता है तीन तरह के शेयर फेलियर भी आपको मैं एक बार बहुत पहले बता चुका था, फेलियर होते हैं शेयर फेलियर होते हैं आपके आपके, फिर उसके बाद लोकल शेयर फेलियर होते हैं, पंच शेयर फेलियर होते हैं। आपको पता होगा डिजाइन क्राइटेरिया फॉर सैलो फाउंडेशन प्लेट लोड टेस्ट एंड स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट भी पूछते हैं एग्जामों में, अर्थ प्रेशर ऑन रिटेनिंग वॉल सॉरी फ्रेंड्स, स्टेबिलिटी ऑफ सिंपल स्लोप्स, सिग्निफिकेंट डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन, फिर आपके हैं डिजाइन फीचर्स ऑफ अनडिस्टर्ब सैम्पलर। तो इस तरह से आपके स्वायत्त और जियोटेक के जो बोलते हैं हम लोग सिलेबस है आपका। आगे देखते हैं, अभी हमारा सिविल इंजीनियरिंग का ही चल रहा है फ्रेंड्स। स्ट्रेस आपका स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में हम लोग आ गए, तो स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हो गया, इलास्टिक कॉन्स्टेंट हो गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गए, रिलेशन एमंग इलास्टिक कॉन्स्टेंट, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम फॉर कैंटिलीवर्स सिंपली सपोर्टेड एंड ओवर हैंगिंग। तो देख रहे हैं काफी ज्यादा सिलेबस है, हर एक चीज लिया है इसमें से। तो आप ऐसा करना कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिससे पूछे हैं उसी के प्रकार आप अगर नहीं कर पाते हो इतना कम टाइमों में तो आप उसी पे करना। जैसे कि मान लो कि आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से क्वेश्चन पूछता है तो आप देख लेना, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के जितने क्वेश्चन हैं आप जितने थ्योरी हैं वो अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब फिर मान लो कि आपका डिफ्लेक्शन हो गया कैंटिलीवर का या सिंपली सपोर्टेड का, तो उसको देखना है, उससे क्वेश्चन आता है तो उसको भी देख लेंगे। यहाँ पर वही दिया है मैं कि डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड फिक्स एंड कंटिन्यूस बीम डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इसको तो जरूर देखना है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेम का भी आते हैं इसमें, फ्रेम पिन ज्वाइंट प्लेन अंडर स्पेस, ये जो आपका पार्ट है फ्रेंड्स इसको मत छोड़ना, मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मैं देखा हूँ क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी। फिर आपके रेनफोर्समेंट एंड कंक्रीट स्ट्रक्चर से भी आ गए, आपके प्रोविजन ऑफ लेटेस्ट IS कोड के अनुसार जो 456 है, डिजाइन ऑफ बीम सिंपली एंड डबली रेनफोर्समेंट आप पढ़े होंगे, डिजाइन ऑफ सियर रेनफोर्समेंट, डिजाइन ऑफ स्लैब स्पेनिंग इन टू डायरेक्शन एंड टी बीम स्लैब। देखो टी बीम स्लैब का अधिकांश क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन हो कुछ भी हो टी बीम से क्वेश्चन आपके पूछ देते हैं, ठीक है ना। फिर आपके डिजाइन ऑफ कॉलम एक्सियल एंड अनएक्सियल एसेंट्रिक लोडेड, डिजाइन ऑफ आइसोलेटेड एंड कंबाइंड कॉलम फुटिंग, डिजाइन ऑफ सिंपली, इसमें केवल डिजाइन ही ज्यादा रहता है, ठीक है। आरसीसी कैंटिलीवर एंड काउंटरफोर्ट, रिटेनिंग वॉल्स, रिटेनिंग वॉल्स के बारे में आपको जानना है, रेनफोर्समेंट इन ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स, वाटर टैंक से भी क्वेश्चन पूछते हैं आपके, कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन भी इससे बनते हैं। फिर आपके होते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स इंक्लूडिंग हाइड्रोलॉजी एंड इरीगेशन, इसी में मैं क्या किया हूँ कि फ्लूइड मैकेनिक्स में ही इरीगेशन को भी डाल दिया हूँ और हाइड्रोलॉजी को भी डाल दिया हूँ। तो आपके क्या आ गए, हाइड्रोलिक प्रेशर एट ए पॉइंट एंड इट्स मेजरमेंट, टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन प्लेन एंड कर्व, इमेंस सरफेस, बायोंसी कंडीशन आपके हो गए, इक्विलिब्रियम एंड फ्लोटिंग बॉडीज, फ्लूइड फ्लो कंडीशन आपके होते हैं, बर्नौली आपको समझ गया ना, बर्नौली, नेवियर स्टोक, रेनॉल्ड्स इक्वेशन, ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो थ्रू ऑरिफिक वेंचुरीमीटर, ये भी वेंचुरीमीटर भी आपको जरूरी है, नो चेज एंड वायर्स, फ्लो थ्रू पाइप्स एंड ओपन चैनल ग्रेजुअली एंड रैपिड फ्लो, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख रहे होंगे इतना से आपके जो हैं ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं। फिर आते हैं डायमेंशन एनालिसिस, मोमेंटम एंड रेगुलर एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल एज वेल एज अप्लाइड टू फ्लूइड इन ए कंट्रोल वॉल्यूम, एप्लीकेशन ऑफ जेट्स भी आते हैं, विस्कोस फ्लो, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रैग फ्लो थ्रू पाइप्स, ये सब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में। अब आते हैं हम लोग हाइड्रोलॉजी में, तो हाइड्रोलॉजी में देखते हैं क्या क्या है, हाइड्रोलॉजी ऑफ ए फ्लूइड्स एंड ड्रॉट रिजर्वायर्स डैम्स ओवरफ्लो स्ट्रक्चर, बहुत सारे का स्ट्रक्चर होते हैं आपके, ग्रेविटी डैम होते हैं इस तरह से, बहुत सारे अर्थन डैम होते हैं, बहुत तरह के होते हैं आपको पढ़ लेने हैं उसमें, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी होते हैं, इरीगेशन में आपके आ गए कैनल हो गया आपका, देखो इरीगेशन यहाँ से स्टार्ट है, समझ गए, आपके कैनल्स हो गए, कैनेडियन एसी थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, समझ गए ना, इरीगेशन में अगर सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है तो ये सब है, ठीक है। आपके कैनेडियन इक्वेशन क्या होती है, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, लेसी थ्योरीज क्या होती है, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, उसमें इसका वैल्यू क्या होता है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को, उस तरह से भी आपको देख के एग्जामों में जाना है। फिर आपका घोसला थ्योरी फॉर डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, ग्राउंड वाटर एंड वेल इरीग्रेशन एंड वाटर लॉगिंग। अब जो आता है हाईवे एंड ब्रिज से फ्रेंड्स काफी है, तो देखिए हाईवे को तो यहाँ पे दे दिया है, ब्रिज से भी काफी है, तो आप लोग मैं डायरेक्ट ऐसे बोलते रहूंगा काफी आपके टाइम वेस्ट होंगे, तो इसलिए आप देख लो कलवर्ट वलवर्ट सब पढ़ लेना आपको, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस पढ़ लेना, वॉल्यूम अलाइनमेंट, ट्रैफिक पेविंग सब पढ़ लेना आपके, आपके क्या होते हैं फ्लैक्सिप पेमेंट क्या, पेमेंट क्या होते हैं, हार्ड पेमेंट आपको पता है क्या होता है, कंकर ब्रिक्स स्वेलिंग WBM कोर्स आपके क्या होते हैं, शोल्डर्स क्या होते हैं, ग्रेनाइट सब बेस स्टेबलाइजेशन रोड, ये सब आपको आने चाहिए, ठीक है ना।
फिर आपके हो जाते हैं ट्रैफिक करेक्टरिस्टिक्स, आपके किस तरह से ट्रैफिक करेक्टरिस्टिक्स चल रहे हैं, तो आपको हाईवे ब्रिज में ये पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग देख लो या नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट लेके भी अपने पास रख सकते हो। फिर आपके पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में आपको पूछेगा पर कैपिटा रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज। ठीक है, फोरकास्ट ऑफ पॉपुलेशन सोर्स वाटर सप्लाई स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई विथ वेरियस मेथड प्योरिफिकेशन हाउस ड्रेनेज सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विथ ऑल द, आपको देखे होंगे कि जब हाउस में जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाटर का, उसका क्या होता है मेन क्या होता है, उसमें बहुत सारे डिवाइड किए रहते हैं। फिर आपके सीवरेज सिस्टम से आ गए, प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गए, ट्रिंकलिंग फिल्टर्स हो गए, लैगूंस हो गए, अदर ट्रीटमेंट यूनिट्स एंड देयर डिजाइन क्राइटेरिया, फ्लशिंग ऑफ सीवर्स ये आपके इंपॉर्टेंट है, सीवेज ट्रीटमेंट हो गए, रूरल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं फ्रेंड्स, अब एक टॉपिक का हो गया, अब दूसरे ब्रांच वालों का आते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे पहले जो है आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है फ्रेंड्स, उसमें बहुत तरह के सर्किट होते हैं, आपको पता है कि सर्किट कंपोनेंट्स होते हैं KCL, KVL, नेटवर्क ग्राफ्स, मेथड्स ऑफ सर्किट एनालिसिस, नोडल मेस एनालिसिस ऑफ DC एंड AC नेटवर्क, नेटवर्क थ्योरम, बेसिक नेटवर्क थ्योरम एंड एप्लीकेशन, नेटवर्क फंक्शन, ड्राइविंग पॉइंट एंड ट्रांसफर फंक्शन, पोल्स जीरो, इस तरह से आपके काफ़ी हैं। एलिमेंट्री नेटवर्क में भी आ गए आपके, फिर से एलिमेंट्री नेटवर्क देखे BPSC में पढ़ने थे, ये BPSC में पूछा भी गया था। डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क पैरामीटर, सिग्नल फ्लो ग्राफ्स, फोरियर सीरीज भी था आपका उसमें, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर एप्लीकेशन, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स सर्किट एंड एप्लीकेशन, बहुत तरह के थ्री फेज बैलेंस एंड अनबैलेंस नेटवर्क्स होते हैं उसमें, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, फिर आपके सबसे जो मेन है आपका RL RCN RLC सर्किट, ये भी पूछते हैं ट्रांजिशन एनालिसिस ऑफ RL RCN RLC सर्किट्स। दूसरा में चलते हैं फ्रेंड्स, दूसरा में आपका फील्ड थ्योरी हो गया, इसमें आपको क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड्स, मैग्नेटोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड ऑफ कंडक्शन एंड मैग्नेटिक, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछते हैं। फिर आपके इलेक्ट्रिक वेव हो गए, प्लेन वेव, प्रोपेगेशन, कंडक्शन एंड डाइलेक्ट्रिक मीडिया, इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए आपको आगे देखते हैं, फिर आपका इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स क्या क्या है आपके, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन स्टैटिक्स एंड अल्टरनेटिंग फील्ड्स, फेनोमेनन ऑफ पोलराइजेशन, सुपर कंडक्टिविटी, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक कंड्यूटिंग डाइलेक्ट्रिक एंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स। फिर चौथे नंबर पर हम आते हैं तो क्या है आपका इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट्स, यूनिट्स एंड डायमेंशन, स्टैंडर्ड एरर एनालिसिस, बेसिक मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ सर्किट पैरामीटर्स बाय ब्रिज मेथड्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, करेंट, पावर फैक्टर, पावर एनर्जी, रेसिस्टेंस, इंडक्शन, कैपेसिटेंस, फ्रीक्वेंसी। फिर आपके आते हैं ट्रांसड्यूसर से हो गए, ट्रांसड्यूसर के LVDT ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेन गॉज भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फिर थर्मेसिस्टर, पीजो इलेक्ट्रिक हो गए आपके, मेजरमेंट ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में आपके प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो रेट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्ट्रेन, एस्टिटिसी, डिजिटल मेजरमेंट, डिजिटल वोल्टमीटर्स, फ्रीक्वेंसी, आपके बहुत सारे जो हैं सभी यहाँ पे लिए गए, समझो तो समझ गए ना, तो आपको पढ़ने काफ़ी हैं तो आप मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। फिर से आपके आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में फ्रेंड्स, आपको पता है बाइपोलर में आपके क्या क्या आते हैं, BGT, JFT, MOSFET, सेमीकंडक्टर डिवाइस में आपको पढ़ने हैं, डायोड्स आपको पता है, जेनर डायोड बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनर डायोड से क्वेश्चन रहेगा। फिर आपके ट्रांजिस्टर हो गए, फिर आप देखो आपके यहाँ आ गए आते हैं हम लोग DTL, DTTL, ECL, MOS, CMOS, डिजिटल IC, ये सब इंपॉर्टेंट आप लोग देखे होंगे, BTEC में भी देखे होंगे, ये सब बहुत इसकी वेटेज हुआ करती थी, और आपके ये तो मैं बता ही दिया आपका MOSFET, JFET, BJT ये भी बहुत आते थे। फिर उसके बाद इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं तो आपके बोलेन एलजेब्रा हो गया, लॉजिक गेट्स हो गए आपके बहुत सारे के, फिर आपका मल्टी वाइब्रेटर्स, फ्लिप फ्लॉप्स, आप देखे होंगे फ्लिप फ्लॉप्स, बहुत सारे बच्चे हमारे जो फ्रेंड थे BTEC लाइफ में वो बहुत सारा फ्लिप फ्लॉप पढ़ते रहते थे, तो उनसे मेरे को याद आता है सब चीज़ें। माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम एंड कंप्यूटर में आपका आ गया माइक्रो प्रोसेसर, फिर IO डिवाइस हो गए आपके, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स इसके लिए आपके, क्योंकि इसके एग्जाम में थे। फिर आपके बेसिक लेआउट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स, इनपुट आउटपुट, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, ये सब जो लास्ट वाले हैं ये सब इंपॉर्टेंट्स हैं आपके लिए।
पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग देखते हैं आपके, देखो यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ जेटीओ आपको पढ़ने हैं, फिर मॉस्फेट यहाँ पे आ गया आपका, फिर आपके यहाँ पे देखो ट्रैगिंग सर्किट में आपका एसी टू डीसी कन्वर्टर्स हो गए, आपके चॉपर्स हो गए, कंट्रोल एंड अनकंट्रोल पावर रेक्टिफायर्स हो गए, फिर कंट्रोल सिस्टम में आपके ओपन क्लोज लूप सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम, सिग्नल फ्लो ग्राफ्स, बहुत तरह के हैं, आपको बताने का टाइम लगे जाएगा इसमें, तो आप इस तरह से कर लें। और मैं इसका आपको मैं बता देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं उसको। पावर सिस्टम हो गया, फिर स्विच एयर हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, मैं ये क्या करता हूँ कि इसके इसको पॉइंट केवल डिस्कस कर देता हूँ फ्रेंड्स। फिर आपके चलते हैं मैकेनिकल हो गया, ये आपका तीसरा आपका ब्रांच का हो गया फ्रेंड्स। पहले हमने सिविल देखा, इलेक्ट्रिकल देखा, अब सिविल मैकेनिकल में देखते हैं। तो मैकेनिकल में आपको क्या है, थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स है सबसे पहले, फिर आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स आप देखते होंगे कि थोड़ा सा सिविल से मिलता जुलता है, कैनेमेटिक पेयर्स हो गए, कैनेमेटिक चेंज हो गए, मैकेनिज्म हो गए, लॉ ऑफ फ्रिक्शन हो गए, ब्रेक्स हो गए आपके, डायनोमीटर्स हो गए, टाइप्स ऑफ गियर्स एंड गियर ट्रेंड्स हो गए आपके, टाइप ऑफ गवर्नर्स हो गए, गवर्नर रिपोर्ट्स हो गए आपके, पावर स्टैटिक एंड डायनेमिक बैलेंसिंग होंगे, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसनल वाइब्रेशन हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉरी फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है आपके सिविल इंजीनियरिंग से मिलता है, ठीक है ना। स्टैटिक स्ट्रेस, मशीन पार्ट्स डिफॉर्मेशन, यूनिट डिफॉर्मेशन, पॉइजन रेशियो, डायरेक्ट स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस, कंपाउंड स्ट्रेस, टॉर्सनल स्ट्रेस, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, बेंडिंग, देखो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप बहुत सारा आप लोग आते होंगे कौन मटेरियल के लिए, आप देखते भी होंगे उसके ग्राफ में, तो वो भी आपको लेने हैं। फिर आपके लिमिटेड एंड कॉइल स्प्रिंग, शाफ्ट हो गए, थिक थिन वॉल हो गए, प्रेशर वेसल्स कॉन्सेप्ट, फैटिव फ्रैक्चर एंड क्रिप हो गए आपके, क्रिप बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रोल करता है फ्रेंड्स, क्रिप से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो क्रिप भी आपको पढ़ के जाना है। फिर आते हैं हम लोग मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस वन ऑफ द बेस्ट बुक आपके सब्जेक्ट है मैकेनिकल ब्रांच के, इसे काफ़ी नॉलेजेबल है, काफ़ी इसे नॉलेज आप ले सकते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपके हो गए, फिर स्पेस लैटिक्स हो गए, क्रिस्टलाइन एंड एमोफस सॉलिड्स हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर, एटॉमिक पैकेजिंग फैक्टर, डिटर्मिनेशन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल, मैकेनिज्म ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, वर्क हार्डनिंग, रिक्रिस्टलाइजेशन, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, कंपोजिशन प्रॉपर्टीज, बहुत सारे हैं। फिर आपके फोर्थ नंबर पर देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग में मॉल्डिंग आपको पता है, कास्टिंग क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ आर्क, गैस वेल्डिंग, ब्रेजिंग, आप इसको आप लोग वहाँ पे किए होंगे, आप लोग लैब में इसको किए होंगे अच्छे से, हॉट एंड कोल्ड वर्किंग मेटल्स, मैकेनिज्म ऑफ मेटल कटिंग, ज्योमेट्रिक एंड सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, टूल मटेरियल्स। फिर से आप क्या आते हैं फिफ्थ पॉइंट में अगर हम जाते हैं, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल मैनेजमेंट, एलिमेंट्स एंड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स आपके हो गए, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग हो गए, ब्रेक इवन एनालिसिस हो गए, टाइप्स ऑफ बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल हो गए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फिर आपके बैलेंस शीट होते हैं, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, प्लान प्लांट लेआउट, मटेरियल हैंडलिंग, सीपीएम और पॉट, देखो सीपीएम एंड पॉट आप ऐसा मत समझो कि उसमें नहीं, सीपीएम पॉट इसमें भी आपसे पूछा गया है, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग, रूटीनिंग, आपके इन्वेंटरी, मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट्स। फिर आपके थर्मोडायनेमिक्स जो कि आपका बहुत ही मेन है आपका, यहाँ से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका मैंने वन लाइनर ऑलरेडी डाल चुका है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, एंड देयर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट फ्लो एंड नॉन फ्लो सिस्टम, गैस पावर साइकिल, वेपर पावर साइकिल। फिर से आपके हीट ट्रांसफर, इसका भी मैंने वन लाइनर डाल चुका था, आप इसको भी देख सकते हैं बीपीएससी के टाइम पे। यहाँ से आपके कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, देखो ये तीनों आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों का कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपके आधे हीट ट्रांसफर हो गए, ठीक है। फिनोमिनन, कंबाइंड मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, क्रिटिकल इंसोलेशन, फाइंड्स नॉन डायमेंशनल नंबर सप्लाइड ऑफ हीट ट्रांसफर, थर्मल बाउंड्री लेयर, बाउंड्री लेयर भी पूछते हैं, बाउंड्री लेयर से भी क्वेश्चन बनती है, इंट्रोडक्शन ऑफ टू फेज हीट ट्रांसफर, हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से आपका आते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, आपका आ गए तो बेसिक एयर रेफ्रिजरेटर साइकिल हो गया, वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर, वेपर एब्जॉर्प्शन, रेफ्रिजरेशन एक्सपेंशन, आपके इस तरह से बहुत सारे कूलिंग लोड सर्कुलेशन आपके आते हैं। फिर आपके फ्लूड मैकेनिक्स हो गए फ्रेंड्स एंड टर्बो मैकेनिक्स, तो आप इसको भी रख लेंगे, नोट्स कर लेंगे। फिर आपके पावर जनरेशन है, इसमें SI एंड CI इंजन आपके पढ़ने हैं जो कि बहुत वाइटल है आपके लिए। फिर MHD एंड बायोगैस पावर प्लांट्स के बारे में जानने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके। फिर हाइड्रो पावर प्लांट लेआउट हो गया, फिर से आपके फिनोमेनन हो गए, कंबस्टन फिनोमेनन, फ्ल्यूल कार्बन से सब इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर बात करते हैं तो एयर कंप्रेसर, गैस टर्बाइंस एंड सिस्टम टर्बाइंस, हाइड्रोलिक पंप्स, पंप्स जो जितने तरह के हैं टर्बाइन जो हैं वो भी आपको पढ़ लेंगे। अब ये लास्ट है और ये चौथा है आपका जो कि इस सिलेबस का लास्ट में बता रहा हूँ, ये आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए है, जिसमें आपके सर्वेइंग जो होंगे, आपको पता है सर्वेइंग इसमें सिविल इंजीनियरिंग का होता भी है लेकिन उससे थोड़े से ये आपके अलग है, इसको उतना सिलेबस नहीं है जितना उसमें था। तो सर्वेइंग का देखिए इसमें सीधे लिया हुआ है लेबलिंग एंड लैंड डेवलपमेंट, इसका नाम ही अलग से है। तो इसमें आपके लीनियर मेजरमेंट्स वाले आ जाएंगे, डिफरेंट सर्वेइंग डिवाइस एंड मेथड्स, लैंड ग्रेडिंग एंड लेबलिंग, कंटूरिंग एंड ट्रेसिंग, अर्थ वर्क एस्टिमेशन,
लैंड डेवलपमेंट बजटिंग, फिर आप क्या है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन से आप क्या है प्रेसिपिटेशन हो गया, हाइड्रोलॉजिक साइकिल हो गया, पॉइंट रेनफॉल एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी वाटर, बहुत तरह के क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो ये आपके हो गए पूरा, आप देख लेना इसको सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन से। फिर से आपके इरिगेशन के भी हैं, इरिगेशन के आपके सिविल ब्रांच वालों के लिए जो पढ़ाए थे उसमें बहुत आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और जो पंप्स वम्प्स हम लोग पढ़े थे मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए वन लाइनर से भी आप देख सकते हैं, उसमें पंप्स मिल जाएंगे आपको। यहाँ भी देख सकते हो सॉइल वाटर प्लांट रिलेशनशिप हो गया, वाटर रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट क्रॉप्स एंड इरिगेशन के लिए हो गया, देखो डिजाइन ऑफ इरिगेशन आपका उसी से आ गया ठीक है, इरिगेशन इफिशियंसी ड्रेनेज में भी आ गया आपका, फिर आपका पंप्स यहाँ पे दिया हुआ है, पंप्स भी हो गए आपके बहुत सारे हैं, वाटर रिसोर्स आपके हो गए, डेवलपमेंट मैनेजमेंट बहुत सारा कुछ आप सिविल इंजीनियरिंग से ही कर सकते हो। कि देखो कैनल इरिगेशन भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। फिर आपका जो अलग है इसमें से आपका क्या है फार्म पावर एंड मशीनरी, इसमें आपका देखो सिविल वाले मैकेनिकल वाले भी कुछ आ जाते हैं, जैसे कि ऑटो डीजल साइकिल ये आपको उसी के, फिर आईसी वाले जो हो गए ठीक है ना, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन थर्मोलॉजी, ऑटो साइकिल, कूलिंग, लुब्रिकेशन सिस्टम, तो इस तरह से आपको दोनों को मिक्स करके ये बनाया गया है ठीक है। फिर आपके आते हैं हम लोग फिफ्थ में देखते हैं एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में आपके वेरियस साइज रिडक्शन मशीनरी हो गया, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट हो गया, सेपरेशन हो गया, तो इस तरह से बहुत सारे आपके हैं फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, फिर से हम देखते हैं सिक्स नंबर पे आपका है फार्म इलेक्ट्रिफिकेशन एंड रूरल हाउसिंग, इसमें आपके सिलेक्शन इंस्टॉलेशन जियर्स कार इलेक्ट्रिक मोटर्स फार्म्स सिलेक्शन ऑफ वायर साइज बेस्ड हाउसिंग बिल्डिंग मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टी डिजाइन ऑफ बीम स्लैब्स कॉलम्स फाउंडेशन प्लानिंग, ये भी देखो सिविल से रिलेटेड है, तो काफी सारे सिलेबस आपके सिविल ब्रांच से मिल रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप सिविल वाले भी कर लोगे तो आपके आ जाएंगे अच्छे मार्क्स। फिर से आपके रिन्यूएबल एनर्जी से, रिन्यूएबल एनर्जी में आपके आपको पता है कौन से रिन्यूएबल एनर्जी आपको पढ़ने हैं, उसमें से सोलर रेडिएशन है आपका, इट्स मेजरमेंट, सोलर थर्मल डिवाइस गैजेट, सोलर कॉपर, सोलर वाटर हीटर, सोलर बायोजेन बायो एनर्जी प्रोडक्शन कन्वर्जन यूटिलाइजेशन रूट्स, बायोगैस टाइप्स ऑफ बायोगैस प्लांट डिजाइन ऑफ बायोगैस प्लांट, बायोमैस गैसिफिकेशन एंड गैस विंड एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस, वाटर पंपिंग विंड मिल्स एंड एरोजेनेटर आपके हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपके काफी ज्यादा सिलेबस थे इस बार, देखे होंगे हर एक एग्जामों में हर एक ब्रांच के अलग अलग सिलेबस मैं बताया हूँ, और पूरा डिटेल में सिलेबस बताने की कोशिश किया हूँ जिससे आप लोगों को काफी फायदा हो, एक भी चीज ना छूटे, जो भी आपको पकड़ है वो पढ़ लें, जो न पकड़ है उसको भी पढ़ लें। तो थैंक्स फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करें अगर अच्छा लगा हो, तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, कमेंट करें अगर कोई डाउट हो तो, और फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेसबुक पे, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, गूगल प्लस पे। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।